हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन परीक्षा जानकारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईई मेन 2022 एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिगार्डिंग कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड और एडमिट कार्ड से रिलेटेड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्त, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर इस चैनल का मेम्बर बनिए। मेरे द्वारा आप लोगों को जेईई नीट CUET और ICAR एग्ज़ाम के सभी लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कराई जाती रहेंगी। तो दोस्त, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर इस चैनल का मेंबर बनिए। आइए आपको बता देता हूँ जो लेटेस्ट अपडेट है। दोस्त, जैसा आप सभी जानते हैं, NTA ने 1 अप्रैल को एक पब्लिक नोटिस में ये बताए थे कि जो आप लोगों की अप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 1 अप्रैल से एक्सटेंड करते हुए 5 अप्रैल कर दी गई है। तो जैसा आप सभी जानते हैं, आज 5 अप्रैल है और आज आप लोगों के पास फॉर्म भरने का आखिरी मौका है। तो आप सभी लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर लें जो इतने भी छात्र अभी तक नहीं भरे हैं। और इसमें एक बात साफ साफ कही गई है कि आप लोग जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे बहुत ज़्यादा ही केयरफुली से भरेंगे, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी गड़बड़ी करते हैं तो कोई भी करेक्शन का मौका आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। ये स्ट्रिक्टली कहा गया है NTA की तरफ से, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। आइए आपको बता देता हूँ कि जो एडमिट कार्ड से रिलेटेड क्या न्यूज़ है। जैसा आप सभी जानते हैं कि आज आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। इसके बाद आप लोगों का जो दूसरे आप लोगों का ज़्यादा फोकस रहेगा वो रहेगा कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। तो दोस्त, एक इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो 2nd वीक में यानी 14 से 15 अप्रैल के आसपास जारी किए जाने की भी पॉसिबिलिटी आ जाएगा। दोस्त, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर इस चैनल का मेम्बर बनिए। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू।